तो सो दोस्तों, आज के शेड्यूल में बात करने वाले कि वैसे छात्र छात्रा है जो 2023 में परीक्षा देने वाले हैं, जिनका मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही नोटिस में बताया था कि जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जारी कर दिया है रजिस्ट्रेशन कार्ड, और आप अपने स्कूल से भी देख सकते हैं और ऑनलाइन भी के देख सकते हैं, समझे। और ऑनलाइन कैसे देखना है समझे, चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं और एक एक स्टेप बाय स्टेप समझें, क्योंकि यदि आप स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे तो आपको है ना बहुत सारा दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोडिंग करने पर। तो क्या यूनिक कोड डाला गया है समझे, क्या यूनिक कोड दिया गया है, उस यूनिक कोड में क्या परिवर्तन किया गया है रजिस्ट्रेशन कार्ड में, उसको भी देखेंगे समझे। तो चलिए संपूर्ण जानकारी देखते हैं। किसी भी आपको क्रोम ब्राउजर में आ जाना है तो चलिए यहाँ पर सिंपल आपको है ना सर्च कर देना है। क्या सर्च करना है स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, नहीं तो आपको डाउनलोड करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल आपको सर्च करना है, यहाँ देखिए सेकेंडरी बिहार बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट कॉम, ठीक है, क्या लिखना है सेकेंडरी बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट कॉम। अगर आपको है ना क्वालिटी अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं तो अपना वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए समझिए, जिससे आपको है ना दिक्कत नहीं हो सके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सिंपल आपको है ना इस पर क्लिक कर देना है समझिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ना ओरिजिनल वेबसाइट यहाँ पर जारी किया है समझिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है समझिए सेकेंडरी डॉट बिहार डॉट ऑनलाइन डॉट कॉम समझिए। सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और नीचे आएंगे स्क्रॉल करेंगे नीचे, और नीचे आने के बाद जो है ना कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा न्यू दिया हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2022 फॉर एग्ज़ाम 2023 समझे, जो 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले उनके लिए जारी किया है समझे। तो सिंपल इस पर आपको है ना क्लिक कर देना है, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ उसी तरह से आपको करना है, ठीक है। तो चलिए इस पर हमें क्लिक कर दिया। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा ये एक नया है ना जारी किया गया समझे, इसको संपूर्ण देख लीजिए, एक एक करके देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ समझे कि क्या क्या फॉर्म फिलअप करना है समझे, और क्या क्या लिखना है, जिससे आपका है ना रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है ना 2023 का जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने स्कूल का कोड डालना है, जो भी स्कूल है आपका उनका ये कोड डालना है, 5 अंक का डिजिट का कोड होता है, उस कोड को डाल देना है समझे। और यहाँ पर कैंडिडेट नाम, यदि आप है ना मान लीजिए किसी का नाम है राजकुमार तो राज लिखेंगे और स्पेस लिख देंगे, ठीक है, KUMAR। और याद रखिए, ध्यान रखिए कि सभी कैपिटल लेटर में भरना है, याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फादर्स नेम, अपने पिता का नाम, मान लीजिए किसी का नाम है किशोरी राय समझिए, तो यहाँ पर लिख देना किशोरी राय, ठीक है, किशोरी उसके बाद राय, इस तरह से आपको स्पेस दे के लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ में काफ़ी जैसे बच्चे जो है ना गलती कर बैठते हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 है और उसके बाद अब्लिक देंगे, मोबाइल में अब्लिक होता है इस तरह से, और उसके बाद फिर 1, उसके बाद अब्लिक, उसके बाद मान लीजिए 2004 है 2006 है, तो इस तरह से आपको भर देना है, ठीक है। तो जैसे इस पर आपको क्लिक भरने के बाद जो है ना सिंपल आपको सर्च कर देना है। तो चलिए मेरे पास एक स्टूडेंट है समझे, उनका जो है ना हम आपको करके दिखाते हैं। तो सारा कुछ फिलअप करने के बाद जो है ना कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। जैसे इस पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और आपका जो है ना रजिस्ट्रेशन कार्ड लोडिंग हो गया है। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है ना लोडिंग हो गया है समझे, और ये हमारा कैंडिडेट है समझे। यहाँ पर एक यूनिक कोड डाला गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर संपूर्ण जानकारी लिखा हुआ समझे, और ये BSA भी यूनिक कोड 13 अंक का डिजिट ये यूनिक कोड है, यही आपको जो है ना एग्जाम फॉर्म फिलअप करने में आपका सहायता करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सारा का सारा डिटेल्स मैच कर लीजिए, और डिटेल्स मैच करने के बाद जो है आप अपना है ना विषय देख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा, रेगुलर देख लीजिएगा, उसके बाद जाति देख लीजिएगा, मेल फीमेल देख लीजिएगा, और धर्म वार्षिक परीक्षा देख लीजिएगा, सारा का सारा देख लीजिएगा, और सारा संपूर्ण जानकारी मैच करते हुए उसको है ना आपको है ना आपको प्रिंट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए आपको है ना आपको प्रिंट का ऑप्शन दे रहा होगा समझे नीचे की तरफ समझे। तो देखिए आपको है ना एक कॉर्नर पर है ना सिंपल लास्ट में दिख रहा होगा प्रिंट का ऑप्शन समझे, सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको है ना सेव बटन पर करके सेव, यहाँ पर से PDF लिखा हुआ है सेव कर लेना। जी दोस्तों, कितना ईजी था समझे, तो संपूर्ण जानकारी समझ गए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।